चैप्टर नंबर 6 का नाम है डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। हाँ, तो ये आपका न्यू चैप्टर है सीए फाउंडेशन के अंदर, और इसकी वेटेज भी आप लिख लो 8 से 10 मार्क्स की है। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी, क्योंकि इसमें हमको 2 यूनिट्स कवर करने होते हैं। तो आज वैसे हम यूनिट 1 से शुरू कर रहे हैं, तो आप यूनिट 1 डाल सकते हो हेडिंग। इस चैप्टर में 2 यूनिट्स हैं, तो यूनिट 1 का नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, तो आज तो हम खाली यूनिट 1 ही पढ़ेंगे, और हो सकता है इस यूनिट में ही 2 लेक्चर्स निकल जाएं, लेकिन कुल मिलाकर इसमें टोटल 2 यूनिट्स हैं, और पूरा चैप्टर 8 से 10 नंबर तक की वेटेज मतलब रखता है। एग्ज़ाम के लिए अच्छा इसलिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग यूनिट नंबर 1। चलो, तो इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको, जैसे ही आपने हेडिंग लिखी नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसके नीचे 2 आदमी बनाने हैं। तो पहले आदमी का नाम क्या है बताओ? साइमन कुज़नेट्स। पहले आदमी का नाम लिखो, साइमन कुज़नेट्स। और दूसरे आदमी का नाम क्या है? रिचर्ड स्टोन। तो साइमन कुज़नेट्स और रिचर्ड स्टोन। तो ये दोनों नोबल प्राइज जीते थे। कौन सा प्राइज जीते थे? नोबल प्राइज जीते थे। तो इसलिए महान व्यक्तित्व है इन दोनों का। तो इन दोनों को हम क्यों लिख रहे हैं? नाम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो ये यूनिट हम पढ़ रहे हैं, तो इसको इजाद इन दोनों ने किया था। मतलब इसकी इम्पॉर्टेंस, इसको क्यों करना चाहिए, या ये कॉन्सेप्ट मतलब है भी, पहले तो किसी को पता ही नहीं था। अच्छा, ये भी है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मतलब देश की इनकम। लोगों को अपनी इनकम नहीं पता होती कई बार, या अपनी इनकम निकालने में दिक्कत होती है, तो इन्होंने तो देश की इनकम की अकाउंटिंग करने की बात करी थी। तो ये दोनों जो हैं, ये पायोनियर हैं, या एक तरह से ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, इसलिए हमने इनका नाम मेंशन करा है ना। तो बस ये नाम मेंशन करने के लिए लिखा था हमने। तो अब ये आपके MCQ में पूछ सकता है ना। तो इसीलिए स्टार्टिंग इन दोनों के नामों से हुई, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन दोनों ने शुरू करी थी। बाकी अब इसके नीचे स्टार डाल के लिखना मेरे साथ, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ब्रैकेट में CSO ब्रैकेट क्लोज इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ब्रैकेट में इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लो MOSP&I। MOSP&I ब्रैकेट क्लोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाइलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स फुल स्टॉप। इसी के आगे एट द स्टेट लेवल कॉमा स्टेट डायरेक्टोरेट्स, एट द स्टेट लेवल स्टेट डायरेक्टोरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ब्रैकेट में DES छोटा s ब्रैकेट क्लोज, DES छोटा s ब्रैकेट क्लोज हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी,
हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाइलिंग देयर स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड अदर एग्रीगेट्स एंड अदर एग्रीगेट्स। तो इसमें कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कर लो, मैं भी कर लेता हूं। एक तो सी एस ओ, एम ओ एस पी एंड आई, डी ई एस, बस तीन कीवर्ड्स हो गए, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन में ही आपके 5 एमसीक्यू क्वेश्चन बन गए, खाली इतनी सी 5 मिनट की बात के अंदर ही। उन दो लोगों के नाम जिन्होंने शुरू करा था, नोबल प्राइज़ विजेता साइमन और रिचर्ड, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कार्यक्रम खेल। और दूसरा ये जो स्टार पॉइंट है, इसमें बेसिकली हमने क्या लिखा है आपको बता देता हूँ। इसमें ये लिखा है कि डेटा कौन कलेक्ट करेगा, बताओ। हमें पूरे देश की इनकम निकालनी है, ठीक है ना, यही है ना कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो बताओ चौहान साहब कौन करेगा काम। तो इसमें दो लेवल्स हैं, एक है केंद्र का, केंद्र लेवल, सेंट्रल लेवल, और एक है स्टेट्स की ड्यूटी, राज्य की। तो सेंट्रल लेवल में तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, बस आपको नाम याद रखना है, सी एस ओ, है ना, नाम से ही क्लियर है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सी एस ओ, है ना। और इनकी मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो खैर आप सी एस ओ याद रखना मेन तो, और बाकी मिनिस्ट्री है एम ओ एस पी आई, एंड वो लगा रखा होता है लेकिन मेन हो गया एम ओ एस पी आई। अच्छा, स्टेट लेवल पर किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट लेवल पर ये लोग खाली अपने अपने स्टेट का डेटा कलेक्ट करते हैं, ये खाली अपने स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट या मतलब इनकम निकालते हैं। तो सिर्फ जिम्मेदारी है डी ई एस, डी ई एस बोले तो डायरेक्टोरेट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिक्स, है ना। तो स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। तो बस आपको ये तीन शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स उनकी याद रखनी है। तो इसमें अपने आप बहुत सारे एमसीक्यू बना लेते हैं, या तो शॉर्ट फॉर्म देके उसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि सेंट्रल लेवल पर किसकी ड्यूटी है, मिनिस्ट्री का नाम पूछ लेगा, या स्टेट लेवल पर किसकी ड्यूटी है। तो ये मतलब हो गया बेसिकली। चलो अब इसी के नीचे एरो डाल के लिखना है आपको बड़ा बड़ा वाई, आखिर क्यों, इसको ब्लॉक कर लो। ये चैप्टर सर हम क्यों पढ़ रहे हैं, सर बताओ तक्ष भाई। तो लिखो यूजफुलनेस, हाँ, तो यही है इस टॉपिक का मतलब कि भाई आखिर क्यों, वाई क्यों कर रहे हैं हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग। भाई हमें क्या करना देश की इनकम से, हमें तो बस अपने करोड़ रुपए कमाने से मतलब है, हमें क्या करना देश की इनकम से, है ना चौहान साहब। तो ऐसा आपके मन में ख्याल आ सकता है कि भाई क्यों, वाई, आईसीए आपको परेशान करना चाहता है, आईसीए आपका सिलेबस बढ़वाना चाहता है, आईसीए आपको फेल करना चाहता है कि बच्चा इकोनॉमिक्स में पास ना हो, इसलिए उसने सिलेबस बढ़ाने के लिए ये करवा दिया। तो ये सब पॉइंट्स लिख लेते हैं हम, है ना, वाई में कि भाई क्यों करनी है हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग। चलो लॉजिकल पॉइंट सोच के बताओ कुछ, क्यों करते हैं हम देश की अकाउंटिंग। अच्छा चलो अब जोक्स अपार्ट लॉजिकली सोचो, किसका फायदा है इसमें। हाँ, और हमें मतलब कौन अल्टीमेटली, हाँ, और हमें मतलब कौन, मतलब सरकार। हाँ, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाया गया, ऐसे ये दोनों लोग बेवकूफ़ नहीं थे, क्योंकि इसकी यूजफुलनेस जो थी वो गवर्नमेंट को भी होती है और बिजनेसेस को भी होती है। बहुत से बिजनेसेस जो होते हैं, मतलब कंपनीज होती हैं, वो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट की डिमांड का पता लगाती हैं, या फिर वो बहुत से अपने बिजनेस डिसीजंस लेती हैं इस चीज़ को पता लगा के, है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। अब जैसे आप टेस्ला कंपनी का एक सोचो,
अब वो किसी ऐसे देश में इन्वेस्ट करेंगे क्या जहाँ उनको पता है इनकम लेवल्स लो हैं? नहीं करेंगे, उन्हें पता है यहाँ गाड़ी कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए बहुत सी कंपनियां भी इस इंफॉर्मेशन की मतलब मदद लेती है, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो लिख लेते हैं पॉइंट छोटे छोटे कि इनकी यूजफुलनेस क्या है। तो पहले में लिख लो बिंदी डाल के, हेल्प्स बिजनेस टू फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। एक तो बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड को इससे पता लगा सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि भाई क्या होगा हमारे प्रोडक्ट की डिमांड। दूसरी बिंदी, इट शोज कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम। ये अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप स्टार लगा लेना और कॉम्पोजिशन को अंडरलाइन कर लेना और स्ट्रक्चर को भी, ठीक है, ये भी समझाता हूँ। थर्ड, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट, जो आपने पॉइंट बोला, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन मेकिंग पॉलिसीज। सरकार अपनी नीतियाँ बनाती है ना, मेकिंग पॉलिसीज को भी आप बादल बना लो। सरकार बहुत सी पॉलिसियां बनाती है इनको ध्यान में रखकर कि भाई देश की इनकम क्या है, उसकी अकाउंटिंग जब करते हैं हम, तो उससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है सरकार को भी। सरकार अपनी पॉलिसियां बनाती है इसको ध्यान में रख के। बाकी चौथा भी लिख सकते हो यूज़फुलनेस, इंटरनेशनल क्या कंपैरिजंस। तो कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जीते जी मार देती है, लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य है कि बचपन से हम कंपैरिजन में ही जीते रहते हैं। तो जब छोटे होते हैं तो देखो उसका ए ग्रेड आया, तुम्हारा बी आया, कंपैरिजन है ना। थोड़े से बड़े हो गए, रेस हो गई, वो फर्स्ट आ गया, अब तुम पीछे रह गए, और बड़े हो गए, ये हो गया, कंपैरिजन चलता रहता है ना। अब फिर अब अभी भी कंपैरिजन, वो CA बन गया, तुम नहीं बने, वो पास हो गया, तुम फेल हो गए, है ना। और बड़े हो जाओगे फिर इनकम का कंपैरिजन होगा कि देखो उसके पास तो मर्सिडीज़ है, तुम टाटा नैनो में घूम रहे हो। तो कंपैरिजन चल रहा है। अब ऐसे ही देशों का कंपैरिजन हो गया, भाई वो कह रहा था, देश कह रहा मेरी इनकम ज़्यादा, वो कह रहा तेरी इनकम कम। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है तो कॉन्सेप्ट, तो इससे इंटरनेशनल कंपैरिजन भी हो जाते हैं। तो ये मतलब इसके कुछ यूजफुलनेस हो गए। तो क्लियर हो गया, चलो। तो ये मतलब एक इंट्रोडक्शन था। तो इतनी बातें जो आपने लिखी, मतलब इसमें से कुल मिलाकर चैप्टर में एक नंबर का क्वेश्चन आएगा वैसे टोटैलिटी में, लेकिन हाँ वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है इन दोनों आदमियों के, या किसी एक का पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कौन सा है मतलब शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, या किसकी ड्यूटी है, और यूजफुलनेस में से कोई एक पॉइंट पूछ सकता है, ठीक है। चलो अब मेन काम करना है हमें, तो जो नेक्स्ट एरो आपको डालना है उसमें आपको बिल्कुल बड़ा बड़ा लिखना है, मतलब जितना बड़ा हो सके, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो कॉन्सेप्ट्स वर्ड को बड़ा लिख लेना, क्योंकि इसके अंदर हमें टोटल 12 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, 12। तो ये हमारा मेन टॉपिक है, और मुझे लगता है आज का पूरा लेक्चर ही बस इसी के अंदर अंदर घूमते हुए निकल जाएगा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो इस पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। तो अल्टीमेटली चैप्टर के अंदर इसी में से सब कुछ आना है, तो आज जो भी स्टडी हम करेंगे उसको अच्छे से रट लेना, मतलब समझना तो खैर है ही है, लेकिन बाय चांस इन केस कोई चीज़ ना भी समझ आए तो एग्ज़ाम के लिए, लेकिन रट के जरूर चले जाना, और नहीं तो फिर अल्टीमेटली वही फर्रा बनाने वाला तरीका। चलो, तो खैर मैं आपको वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो हम सबसे पहले नंबर 1 कॉन्सेप्ट लिखेंगे और वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट का नाम आपको लिखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, है ना। ये टर्म आप कई बार सुनते हो, न्यूज़ चैनल पे भी सुनते हो, वैसे भी सुनते हो, पहले भी शायद आपने कभी अपने जीवन काल में थोड़ी बहुत सुनी ही होगी, है ना, GDP। तो ये क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है।
इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री विद इन अ गिवन पीरियड विद इन अ गिवन पीरियड. ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन मैं इसको और सिंपल करूँगा आपके लिए, ताकि किसी को अगर ये डेफिनेशन भी मुश्किल लगे तो वो नीचे वाली बात से और इजीली समझ सकता है. तो आप इसके नीचे बस सिंपल लिख लेना पी इंटू क्यू, ये लो ख़त्म. तो जीडीपी कुछ भी नहीं है, आप सिंपल ये समझ लो पी इंटू क्यू. पी का मतलब है प्राइस पर यूनिट और क्यू का मतलब है आउटपुट. सिंपल. तो जीडीपी कुछ भी नहीं है, जीडीपी सिंपल मतलब ये है कि जो देश में हमारे डब्बे बने, देश में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बने है ना, उन सब की वैल्यू क्या है, सबको मिला लेंगे, उन सब की वैल्यू क्या है जो हमारे देश में बनाई एक पीरियड में, उसको जीडीपी कहते हैं, है ना. तो मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेकर ऐसे ही समझा देता हूँ, आप मत बनाना चाहें. तो मान लो अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे देश में पिछले एक साल में, लेट से ऐसे लिख रहा हूँ, 6 डब्बे बने और एक डब्बे की प्राइस है 10 रुपये, तो बताओ हमारा जीडीपी क्या हो गया, 60 रुपये. बस. तो जीडीपी मतलब क्या है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको बोल देते हैं जीडीपी. बस. तो जीडीपी हो गया प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना. लेकिन ये दो टाइप का होता है, तो इसके नीचे आप इसको कर्ली ब्रैकेट में कवर करके दो बायफर्केशन करना ऐसे. तो बताओ है किसी को पता नाम, बताओ तक्ष बाबू तुम तो होशियार हो. लो जी ये है नलायकी, लो लिखो नॉमिनल जीडीपी और दूसरा होता है रियल जीडीपी. ठीक है, तो दो बायफर्केशन करके लिखना, पहले में नॉमिनल जीडीपी और दूसरे में रियल जीडीपी. तो दोनों का पहले छोटा सा मीनिंग लिखते हैं, फिर एक दो एग्जांपल से समझा दूंगा. नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जीडीपी एट करंट प्राइसेस. और रियल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, या ब्रैकेट में बेस ईयर प्राइस. तो रियल जीडीपी मतलब जीडीपी एट कांस्टेंट या बेस ईयर प्राइस, और नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी एट करंट प्राइस. ठीक है, तो ये बहुत ही छोटे से एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि दो तरह के जीडीपी होते हैं. तो मान लेते हैं आज से 20-25 साल पहले ईयर 2000 ले लेते हैं, और आज ईयर 2025 ले लेते हैं लेट से. प्राइस मान लेते हैं आज से 25 साल पहले था 10 रुपये, लेकिन आज महंगाई बढ़ गई और आज हो गया 40 रुपये. ठीक है जी. अब हमारे देश में कितना आउटपुट बना, तो बताओ ईयर 2000 में हमारे देश में कितने डब्बे बने, 100 मान लेते हैं, चलो कुछ भी मान लो, तो 100 डब्बे बने लेट से. ठीक है ना, तो आउटपुट आप भी लिख लो, ये साथ साथ छोटा सा एग्जांपल है, इसी से समझ आ जाएगा, है ना. 100 डब्बे बने मान लेते हैं, और अब 2025 में 25 साल बाद अब हमारे देश में कितने डब्बे बने, 90. भाई कुछ भी मान सकते हैं, प्रोडक्शन कम कर दी मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, है ना, कुछ भी हो सकता है देश में, तो है ना. तो ये तो रैंडम फिगर्स है, मैंने कुछ भी ले लिया मनगढ़ंत, लेकिन मुझे मुद्दे की बात समझानी है कि हम अब यहाँ मान लेते हैं खड़े हैं, वी आर इन 2025,
लेट्स एज्यूम, और किसी ने हमसे पूछ लिया कि सीए साहब आप तो सीए हो तो देश का जीडीपी बताना जरा, किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि जल्दी जीडीपी बताओ जल्दी से, तो बताओ चौहान साहब क्या है जीडीपी हमारा 2025 में? क्यों ये कह रहा आउट ऑफ सिलेबस क्या? तो अब आप कैसे बताओगे जीडीपी? प्राइस कितना है देखो 40 और आउटपुट कितना बनाया हमने 90, तो मतलब हम कहेंगे कि 40 रुपये प्राइस है 90 आउटपुट है, तो इसका मतलब हमारा जीडीपी कितना आ गया 3600 है ना। अब यहाँ पर मज़ेदार बात जो गौर करने वाली है वो ये कि आपने जो प्राइस लिया है 40 वो कौन से वर्ष का लिया है? 2025 का, जो साल चल रहा है ना। तो साहब इस जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, इस जीडीपी को कौन सा जीडीपी कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। लेकिन अगर आप इसी में थोड़ी तब्दीली कर लेते और जीडीपी निकालते समय आप प्राइस अगर ले लेते लेट्स एज्यूम 25 साल पहले का, उस 25 साल पहले को मैं बेस ईयर मान रहा हूँ, तो प्राइस उस समय कितना था? 10 रुपये। तो फिर आपका जीडीपी का आंसर कितना आता? 900 रुपये। तो जब आप किसी पुराने वर्ष का या किसी बेस ईयर का प्राइस लेकर जीडीपी निकाल लेते हो, तो हमने बेस ईयर का प्राइस लेकर जीडीपी निकाला, 10 रुपये को लेकर जीडीपी निकाला, तो उस जीडीपी को क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। तो आप दो जीडीपीज बता सकते हो, अगर आपसे कोई जीडीपी पूछे ना तो आप दो जीडीपी बता सकते हो किसी भी आदमी को कि भाई देख नॉमिनल जीडीपी तो है 3600 लेकिन रियल जीडीपी कितना है 900। तो समझ आ गया, जीडीपी दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है चौहान साहब, देख लो चेक कर लो, नॉमिनल जीडीपी कौन सा होता है जिसमें आप कौन सा प्राइस लेते हो? 40 वाला करंट ईयर का। लेकिन रियल जीडीपी कौन सा होता है जिसमें आप कौन सा प्राइस लेते हो? बेस ईयर वाला 10 रुपये, मतलब हमारे एग्जांपल में। ठीक है, तो पहले आप नोट कर लो ये कि भाई जीडीपी जो है हम दो बता सकते हैं। तो हमसे कोई भी अगर जीडीपी पूछे आज, आपसे कोई जीडीपी पूछने लगे रास्ते में, तो आप उसको कहना कि भैया हम दो जीडीपी बताएंगे, देखो तुम्हें रियल वाला भी और नॉमिनल वाला भी। तो करंट ईयर के प्राइस लेकर बताओगे तो नॉमिनल जीडीपी होगा, बेस ईयर का प्राइस लेकर बताओगे तो रियल जीडीपी होगा। बस तो ये बना लो आप। चलो तो ये हो गया पहले आपका बेसिक कि भाई ये है नॉमिनल जीडीपी और ये है रियल जीडीपी, है ना। तो इसलिए छोटा सा यही पॉइंट लिखा था कि नॉमिनल जीडीपी का मतलब है हम इसमें करंट वाला प्राइस लेते हैं और रियल जीडीपी का मतलब है हम इसमें बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। अब इसी के नीचे लिखना सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट भी इसी से निकलता है, इसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, अब ये एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो ऊपर के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके बनाया गया है। तो इसका फॉर्मूला लिखें जी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। हाँ, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, पॉइंट नंबर टू, जीडीपी डिफ्लेटर। इसका फॉर्मूला लिखना है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। चलो तो अब इसका एक एग्जांपल करके आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है। तो आप छोटा सा लिखना एग्जांपल वन। लिखो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 1200 करोड़, रियल जीडीपी इज इक्वल टू 1000 करोड़, फाइंड जीडीपी डिफ्लेटर। चलो तो निकालो फटाफट, 6 सेकंड है आपके पास, जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है। कितना आ रहा है? ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, तो कितना आ जाएगा? 120।
बता दो। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो महंगाई है एक तरह से, वो आपकी जो चीज़ पहले 100 रुपए की आती थी वो आज 120 की आती। इसका मतलब क्या होता है डिफ्लेटर का? जीडीपी डिफ्लेटर जो 120 निकला ना, इसका अगर मीनिंग लिखना है अपने समझने के लिए फ़नी वे में, कि आप जो गोलगप्पे खरीदते थे पहले 100 रुपए के, है ना, गोलगप्पे 100 रुपए के, 100 रुपए पहले थे, लेकिन वही गोलगप्पे अब कितने के हो गए? 120 के। तो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब ये होता है कि ये महंगाई दिखा रहा है एक तरह से। इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर को घर में प्यार से मम्मी दूसरे नाम से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं इसको, सीपीआई। तो ये आपको ये बता रहा है 120 का मतलब, 120 कुछ नहीं है, 120 मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज इन जनरल चीज़ें महंगी हो गई हैं। जो चीज़ पहले 100 की थी वो 120 की हो गई है। अगर यही आंसर 140 आता तो क्या मतलब होता? कि जो गोलगप्पे 100 के थे वो 140 के हो गए। तो ये मतलब होता है डिफ्लेटर का, जीडीपी डिफ्लेटर। अभी ऐसा क्यों हो रहा है उसका लॉजिक दे देता हूँ। मान लो बेस ईयर में प्राइस था लेट से 100 रुपये, ठीक है, और आप कितने डब्बे बनाते थे? लेट से 100 डब्बे। तो इसका मतलब 100 गोलगप्पे आप खरीदते थे, मान लो 100 रुपए के गोलगप्पे होते थे, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। अब आज 25 साल बाद आप गोलगप्पे खरीदने गए तो गोलगप्पे का प्राइस है 120 रुपए, खरीदे आपने वही मान लेते हैं 100 गोलगप्पे, तो आज वही 100 गोलगप्पे कितने रुपए के खरीदे आपने? 12,000 के। तो यही तो जीडीपी का मतलब था कि नॉमिनल जीडीपी आपको दे रखा है 1200 करोड़, इसका मतलब ये करंट ईयर के प्राइस हैं, और रियल जीडीपी आपको दे रखा है 1000 करोड़, इसका मतलब ये बेस ईयर के प्राइस पर है। तो बेस ईयर का प्राइस था मान लो 100 और करंट ईयर का प्राइस था 120, तो इसका मतलब महंगाई कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो यही चीज़ दिखा रहा होता है कि 120 का मतलब ये है कि महंगाई ऐसी बढ़ गई कि जो चीज़ पहले 100 रुपए की थी वो अब 120 की हो गई है। ये मतलब है जीडीपी डिफ्लेटर का। तो क्लियर हो गया जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? तो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर महंगाई दिखा रहा है, हाँ, कि नहीं बता रहा, वो तो आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप छोटे अभी मासूम बच्चे हो ना, इसलिए मैंने गोलगप्पे बोल दिया। वैसे ही इसमें पूरी मतलब इन जनरल सब कुछ आ गया, हाँ, टोटल इकोनॉमी। एग्जाम्पल 2 और कर लो एक, थोड़ा हाथ खोलने के लिए। तो इसमें लिख लो रियल जीडीपी इज इक्वल टू 450, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 120। अब प्राइस इंडेक्स का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन नहीं, प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है वही जीडीपी डिफ्लेटर। मैंने बताया था ना प्राइस इंडेक्स तो घर का नाम है, ये है जीडीपी डिफ्लेटर। तो अब आपको फाइंड करना है नॉमिनल जीडीपी। चलो 6 सेकंड है आपके पास, निकालो चौहान साहब जल्दी से। तो रियल जीडीपी है 450, प्राइस इंडेक्स है 120 और नॉमिनल जीडीपी निकालना है। क्या आ रहा है आंसर? बोलो जल्दी, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। कितना आ रहा है? 540 पक्का? श्योर? ठीक है, तो इस मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लिया, तो कितना आ रहा है नॉमिनल जीडीपी? 540। ठीक है, तो 120 इंटू 450 ऊपर चला गया अपॉन 100, 540।
बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो मतलब आपसे किसी भी तरह क्वेश्चन वन नंबर में पूछ सकते हैं, तो वही वन नंबर के क्वेश्चन आएगा, तो या तो ये पूछ लेगा या वो पूछ लेगा, मतलब फॉर्मूले से कोई भी एक चीज़ आपसे पूछ सकता है। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका 540, परफेक्ट। ठीक है, समझ आ गया। बाकी इसका इंटरप्रिटेशन बताओ एक बार, इसका क्या मतलब है इस पूरी स्टोरी का? महंगाई क्या हुई है, बढ़ी कि कम? बढ़ गई। और कितनी, कितने प्रतिशत? 20%, बिल्कुल सही। तो जैसे ही आप जीडीपी इन्फ्लेटर 120 देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि महंगाई 20% बढ़ गई, है ना। जीडीपी डिफ्लेटर अगर होता 130 तो 30% बढ़ गई, जीडीपी डिफ्लेटर होता 140, सुनो, तो 40% बढ़ गई। जीडीपी डिफ्लेटर होता 160 तो महंगाई 60% बढ़ गई है। अब ये बात प्रूफ करके दिखा देता हूँ। पहले हमारा कितना था दाम, 450, और अब कितना हो गया बढ़कर, 540। तो कितनी बढ़ोतरी हो गई, 90 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। तो अगर आप इसको प्रतिशत में निकालो कि भाई 90 रुपये की बढ़ोतरी हो गई और पहले दाम 450 थे, तो 20 आएगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर महंगाई दिखा रहा है, तो 120 का मतलब यह है कि महंगाई 20% बढ़ गई आपकी आंखों के सामने, कि जो चीज़ पहले 450 की थी, जो मिठाई आप पहले 450 की खरीदते थे, वही मिठाई का डब्बा 540 का हो गया, ये मतलब है। ठीक है, तो क्लियर हो गया जीडीपी डिफ्लेटर का खेल। चलो, तो दो कॉन्सेप्ट हो गए जी, मुबारका। उसके बाद नंबर थ्री, कॉन्सेप्ट नंबर थ्री का नाम है इन्फ्लेशन रेट, ब्रैकेट में ईयर टू। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन रेट ब्रैकेट में ईयर टू इज इक्वल टू। तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है बच्चों वाला। जीडीपी डिफ्लेटर ईयर टू माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ईयर वन होल डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ईयर वन इंटू 100। तो जीडीपी डिफ्लेटर ईयर टू माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ईयर वन होल डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ईयर वन इंटू 100। तो सर ये क्या ड्रामा है? चलो, तो ये भी एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो लास्ट ईयर आप थे क्लास 12th में, ठीक है, तो ये मत लिखना, क्लास 12th मत लिखना, आप लिखो जीडीपी डिफ्लेटर और ब्रैकेट में लिख लो 2023। तो मान लेते हैं जीडीपी डिफ्लेटर 2023 में था इज इक्वल टू 150। अब आप हो सीए फाउंडेशन में, ये मत लिखना, तो लिखो जीडीपी डिफ्लेटर 2024 में, मान लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं 165। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं और आपको ऐसे बोलूं कि आप 12th में आपके कितने मार्क्स आए थे, 150, और सीए फाउंडेशन में आपके कितने मार्क्स आए, 165। तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ आपके मार्क्स में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं ये पूछूं कि आपके मार्क्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपके मार्क्स कितने परसेंट बढ़ गए हैं, तो निकालोगे, और कैसे निकालोगे, मैथमेटिक्स बताओ। 165 माइनस 150, 15 की बढ़ोतरी हुई है, डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100,
10% बढ़ोतरी हुई है, यही है भाई आंसर आपका, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। बस इसी बात को जीडीपी डिफ्लेटर की भाषा में ऊपर की तरह लिख लिया। तो अब आप चाहे फॉर्मूला देख सकते हो। तो इन्फ्लेशन रेट क्या है, एक तरह से कि कितना बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ गया, उसको बोल रहे हैं इन्फ्लेशन रेट, कि जीडीपी डिफ्लेटर कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो सिंपल, तो जीडीपी डिफ्लेटर ईयर टू माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ईयर वन होल डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ईयर वन इनटू 100। तो ये तो अगर मैं छठी के बच्चे से भी करवा लेता तो वो भी निकाल लेता। तो कितने प्रतिशत बढ़ गया, 10% बस। तो इसको कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन रेट। तो इसका मतलब महंगाई कितनी बढ़ गई, 10% बढ़ गई। ये भी सिंपल हो गई बात कि भाई इन्फ्लेशन रेट 10%, ठीक है। तो क्लियर हो गया, तो छोटा सी पॉइंट है। तो चलो उसके बाद जी कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 भी छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका नाम है डेप्रिसिएशन। ये इसके ब्रैकेट में लिखना, डेप्रिसिएशन को घर में मम्मी क्या बुलाती हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन को घर में मम्मी बुलाती हैं प्यार से, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये आप सब बच्चों ने 100% क्लास 12th में पढ़ा है, तो इसीलिए ये पहले आपसे पूछ सकता हूँ मैं। तो डेप्रिसिएशन का क्या था फॉर्मूला, अगर आपको याद हो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। तो ये लिखना है वैसे आपको छोटा सा फॉर्मूला, ग्रॉस माइनस नेट। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो किसी भी ग्रॉस वेरिएबल और नेट वेरिएबल का डिफरेंस होता है। तो एक छोटे से फनी एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो देखो चौहान साहब, मान लो आपके पास एक टेबल थी, ठीक है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं थी 100 रुपए की। अब एक साल बाद ये टेबल थोड़ी सी घिस गई, ठीक है जी, अब इसकी वैल्यू बची है 90। तो बताओ कितनी घिसी, तो ये 10 रुपये आपने कैसे निकाला, दोनों को माइनस करके। तो बस, तो मुबारक हो, इसका मतलब आपको पता चल गया कि भाई डेप्रिसिएशन 10 रुपये का है। तो डेप्रिसिएशन का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस माइनस नेट। तो ग्रॉस वेरिएबल में से नेट वेरिएबल माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाता है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलो तो ये तो मेन फॉर्मूला है, लेकिन हाँ इसके कुछ एप्लीकेशंस लिख लेते हैं एक दो, जो हालांकि हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं कवर, लेकिन फिर भी लिख लो वैसे तो स्टार डाल के। तो मैं आपसे पूछता हूँ फिर आप बताना, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू। जीडीपी एमपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्केट प्राइस। तो खैर इसमें हमको जी पर फोकस करना है, जी का मतलब होता है ग्रॉस, है ना, जी का मतलब है ग्रॉस। अब इस ग्रॉस वेरिएबल में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो, देखो तो क्या बचेगा, नेट, वेरी गुड, है ना। तो इसका मतलब इज इक्वल टू आंसर आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये बेसिकली हमारे आगे न्यूमेरिकल में काम आ जाता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, बस आपको ये याद रखना है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, है ना। तो ग्रॉस और नेट के डिफरेंस को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो उसका एप्लीकेशन ऐसे हो सकता है, इसी तरह दूसरा एप्लीकेशन भी लिख लो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये क्या होगा, समझ गए, क्योंकि इस बार एन का मतलब है नेट, तो हम एक नेट वेरिएबल में डेप्रिसिएशन जोड़ रहे हैं।
तो क्या आंसर आ जाएगा? जीडीपी एमपी। तो डेप्रिसिएशन बस आप ऐसे याद रखो कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, उसका एप्लीकेशन हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन। उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ का नाम है फॉर्मूले का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसको प्यार से कहते हैं जी NFIA, है ना, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है। अब इसका क्या काम है लिख लेते हैं। NFIA जो है ये दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, किस किस का लिखो, इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दो एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के अंदर, एक को बोलते हैं हम नेशनल प्रोडक्ट, एक को हम बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब नेशनल प्रोडक्ट क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ये हम थोड़ा सा वैसे पढ़ेंगे आगे भी, लेकिन नेशनल प्रोडक्ट को ऐसे ही मन में समझने के लिए इजी वे में आप इसको समझ लो, यार लिख सकते हो नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशनल इनकम, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक इनकम। तो ये आप लिख सकते हो। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के डिफरेंस को हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। अब बच्चा पूछता है सर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या फर्क है, तो बताओ क्या फर्क है। नहीं, और डोमेस्टिक इनकम किसी, हाँ इनके में क्या फर्क है। हाँ मीनिंग पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूले का वो बता दिया। चलो तो लिखो मेरे साथ, नेशनल इनकम का मतलब ये होता है कि ये एक रेसिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम कौन सा बेस्ड कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट, यानी कि जितने भी हमारे देश के रेसिडेंट्स हैं, है ना, उनकी जो इनकम है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। ऐसे बना सकते हो या समझने के लिए कि नेशनल इनकम एक कौन सा बेस्ड कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट। अब रेसिडेंट तो एक सिंपल शब्द है भाई, आप भी रेसिडेंट हो, मैं भी रेसिडेंट हूँ, विराट कोहली भी रेसिडेंट है, तो हम रेसिडेंट जितना पैसा कमा रहे हैं वो नेशनल इनकम है। और रेसिडेंट्स में कंपनियां भी आती हैं, मान लो इंडियन कंपनी है कोई, ये झोंपड़ियां भी बना लो, है ना, रिलायंस है मान लो, SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी रेसिडेंट्स हैं। तो मतलब जितने भी हम सब रेसिडेंट्स मिलकर पैसा कमा रहे हैं वो है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम एक रेसिडेंट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अब मान लो मैं जापान गया, ठीक है, और मैंने वहाँ पैसे कमाए, तो वो भी नेशनल इनकम है क्योंकि मैं कौन हूँ, रेसिडेंट हूँ। तो इसमें हमारी जो ज्योग्राफी है वो मैटर नहीं करती। आप चांद पर जाकर भी पैसे कमाओगे वो भी नेशनल इनकम है, आप जुपिटर पे जाके भी पैसे कमाओगे वो भी नेशनल इनकम है। हाँ अपने देश की नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कौन सा बेस्ड कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो ये भी लिख लो, नॉट ज्योग्राफी बेस्ड कॉन्सेप्ट, इसमें हमारे को ज्योग्राफी से मतलब नहीं है। आप कहीं पर भी पैसा कमाओ, समझ गए युवराज भाई, हमको इसमें ज्योग्राफी नहीं देखनी। आप पाकिस्तान में जाके पैसे कमाओ तो वो भी हमारे रेसिडेंट ने पैसे कमाए। अब विराट कोहली है जैसे, अब विराट कोहली अलग अलग देशों में मैच खेलने जाते हैं, वहां पे उनको प्राइज मनी मान लो मिली, मेहनत का पैसा मिला, तो है तो वो भी रेसिडेंट की कमाई, हमारे देश के एक रेसिडेंट ने पैसा कमाया है। तो
तो नेशनल इनकम एक रेसिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट पर चलता है। अब आते हैं डोमेस्टिक इनकम पर। डोमेस्टिक इनकम क्या है जी? हाँ, अब डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है टेरिटरी बेस्ड कॉन्सेप्ट या ज्योग्राफी बेस्ड कॉन्सेप्ट। ये ध्यान रखना है। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि ये एक टेरिटरी बेस्ड या ज्योग्राफी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो जितनी इनकम हमारी टेरिटरी के अंदर कमाई गई है, बस ये, इसलिए ऐसे मैंने एक भारत का नक्शा बनाने की कोशिश की है ताकि थोड़ा विजुअलाइज हो जाए कि भाई जितना भी इनकम हमारी टेरिटरी में कमाया गया है उसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब किसने कमाई वो मैटर नहीं करता। अब मान लो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आया इंडिया, अब उसने पैसे कमाए इंडिया के अंदर, तो वो डोमेस्टिक इनकम है। इंडिया की टेरिटरी में जिसने भी पैसे कमाए वो कौन सी इनकम है? डोमेस्टिक इनकम है। अब आपको झटके लग रहे हैं मुझे पता है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख लो। ये रेसिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रेसिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लिख लो एग्जाम्पल में, इस आदमी का नाम लिख लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंडिया में पैसा कमाया तो वो डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है युवराज भाई, झटके लग रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आपको ये डाइजेस्ट करनी है बात। ठीक है, अभी रिहाना आई इंडिया तो उसने कहाँ पैसा कमाया? इंडिया में। तो ये डोमेस्टिक इनकम है क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है? टेरिटरी पर। डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड होता है? टेरिटरी पर। ये बस टेरिटरी देखते हैं कि भैया इंडिया में पैसा हो तो डोमेस्टिक इनकम है। अब चाहे किसने कमाया उससे हमें मतलब नहीं है। नहीं, एक्सेप्शन कुछ नहीं, मतलब एक्सेप्शन क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट है बस। एक्सेप्शन क्या भाई, इसका कोई एक्सेप्शन एज सच तो कुछ नहीं है। हाँ, बाकी टेरिटरी की डेफिनेशंस जो है वो अभी आपके क्योंकि सिलेबस में नहीं, तो इसलिए मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा कि टेरिटरी क्या होती है। उसमें थोड़ा सा पानी भी इंक्लूड होता है, उसमें हमारे जहाज़ भी इंक्लूड होते हैं, उसमें हमारे हवाई जहाज़ भी इंक्लूड होते हैं, उसमें हमारी एम्बेसियाँ भी इंक्लूड होती हैं दुनिया भर में, और जो फॉरेन एम्बेसियाँ इंडिया में होती हैं उन्हें हम नहीं कंसिडर करते। हाँ, तो वो सब तो टेरिटरी की परिभाषा में आते हैं, लेकिन वो हमारी चर्चा का विषय नहीं था। लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए कि भाई डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है? टेरिटरी बेस्ड कॉन्सेप्ट। और नेशनल इनकम का मतलब क्या है? रेसिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट। और इन दोनों इनकमों के डिफरेंस को क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो पहले इतनी बात ओके हो गई। चलो अब नीचे, इसी के नीचे लिखते हैं, इसमें और बातें भी हैं स्टार डाल के। NFIA इज इक्वल टू, NFIA का एक फॉर्मूला भी लिखना है, तो इसका फॉर्मूला लिख लो, ये याद रखना है आपको। नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये लिख लेना जी। तो NFIA का फॉर्मूला है नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें चाहे आप हर बार नेट को हाईलाइट कर लो, प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो वैसे तो ये फॉर्मूला रखना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूं कि भाई फॉर्मूला आखिर है क्या। ठीक है, बस तो आप फॉर्मूला लिख के छोड़ देना, बाकी नीचे की जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ वो आपके लिए नहीं है, वो तो बस ऐसी समझाने।
चलो देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. मान लो हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ बाहर गए हैं, विदेश गए हैं, कंपनी ने उनको 2 महीने के लिए यूएस भेजा है और उन्हें वहाँ पर सैलरी मिली, लेट से 100 रुपये. तो वो हैं तो हमारे ही रेसिडेंट है ना, तो वो 2 महीने बाद 100 रुपये सैलरी कहाँ लाएंगे? इंडिया ले आएंगे मान लो, ठीक है. इसी तरह विदेश में मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिलता है, या आपको कोई आपने किसी को लोन दे रखा है वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो रेंट और इंटरेस्ट भी विदेश की प्रॉपर्टी से कहाँ आएगा? इंडिया आ गया मान लेते हैं 80 रुपये. इसी तरह मान लो कि भाई एक कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने अपनी अर्निंग्स कमाई और उसको रिटेन कर लिया अपने पास, तो अल्टीमेटली वो भी हेड ऑफिस में आ गई, और हेड ऑफिस कहाँ है? SBI का, इंडिया. तो कुल मिलाकर विदेशों से कितना पैसा आया अपने पास? 240 रुपये. तो इस 240 रुपये को हम कहते हैं, कहते क्या हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इस 240 रुपये को हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. पहले इतना समझ आया? अब जैसे हमारे लोग बाहर गए, हमारी कंपनी बाहर है, हमारा घर बाहर है, तो बाहर वालों का भी तो यहाँ होगा. बाहर वाले एम्प्लॉयज़ भी देखो यहाँ पे काम करने आए हैं 2 महीने के लिए. जॉन सीना ने भी यहाँ पे घर खरीद रखा है ना. मैकडोनल्ड्स कंपनी यहाँ पर इंडिया में भी काम कर रही है, तो भाई वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी इंडिया से पैसा लेके जाएंगे. मान लो वो ले गए 80 रुपये, कोई इंटरेस्ट या रेंट भी यहाँ से लेके चला जाएगा बाहर, मान लो 60 रुपये. मैकडोनल्ड्स भी अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स ले जाएगा US, मान लो 40 रुपये. तो कितना रुपया हमारे इंडिया से बाहर चला गया? 180 रुपये. ठीक है चौहान साहब, सही चल रहा है मैथ्स? तो इस 180 रुपये को हम कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो अगर इसको अब टोटैलिटी में देखा जाए, आप तो क्योंकि मुंशी हो, 240 आए विदेशों से, 140 गए विदेश, मतलब 180 रुपये गए विदेश, तो 240 आया, 180 गया, तो नेट कितना आया? 60 रुपये. तो इसका नाम पड़ गया NFIA, कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 60 रुपये. तो इसीलिए हर आइटम से पहले नेट लगा हुआ है. समझ गए नेट क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हर आइटम में ये निकाला गया है कि कितना आया कितना गया. तो अगर मैं खाली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात करूं, ग्रीन कलर कर रहा हूं, तो कितनी सैलरी आई? 100, और कितनी सैलरी गई? 80. तो अगर खाली सैलरी सैलरी की बात करूं तो 20 रुपये नेट कॉम्पनसेशन आया. समझ गए बात? इसी तरह दूसरा आइटम है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि येलो कलर कर देता हूँ. कितना रेंट और कितना इंटरेस्ट आया? 80. लेकिन कितना रेंट और कितना इंटरेस्ट बाहर चला गया? 60. तो नेट कितना आया? 20. और इसी तरह थर्ड है रिटेन्ड अर्निंग्स, तो इसीलिए उसके आगे भी लिखा है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, कि भाई रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी आई? 60. और कितनी बाहर चली गई? 40. तो नेट कितनी आई? 20. तो अगर आप खाली इन तीनों को नेट नेट जोड़ो, तो ये भी 20, नेट इनकम भी 20, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स भी 20, तो टोटल कितना हो गया NFIA? 60. और वो वैसे भी आ रहा है देखो लॉजिकली 60. तो समझ गए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? तो ये होता है बेसिकली. तो ये तो डायग्राम ऐसे ही आपको दिखाने के लिए बनाया था, लेकिन आप समझ गए कि क्या खेल है. चलो, तो ये हो गया जी आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5, NFIA. इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 6, इसका नाम है जी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस शॉर्ट में लिख लेते हैं. ये भी आपने 12th में शायद पढ़ा होगा,
NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये किसका डिफरेंस होता है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ठीक है दक्ष बाबू, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होता है। तो अब ये है क्या सर, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है? तो ये अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ, लेकिन पहले आप लिखो मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसका डिफरेंस है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। चलो, तो कॉस्ट का मतलब पहले बता देता हूँ, कॉस्ट का मतलब तो होता है लागत, और प्राइस का मतलब होता है क्या? दाम। ठीक है सर, तो ये तो हमें भी पता है, इसमें क्या बता रहे हो आप? तो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आपकी फैक्ट्री है, आपने एक डब्बा बनाया, और इस डब्बे को बनाने के लिए आपकी लागत में चार चीज़ें लगती हैं। ये आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उन चारों को आप पेमेंट जो करते हो वो होता है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। तो मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, सब मिला मुलू के लेट्स एज्यूम कि आपकी कुल लागत आ गई 100 रुपये। तो आपने ये डब्बा कितने रुपए का बना लिया? 100 रुपये का। ठीक है, अब जैसे ही आप 100 रुपये का डब्बा बनाते हो, तो इस 100 रुपये की लागत को अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर वर्ड इसलिए लगा क्योंकि इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हुए हैं, ये चारों, मतलब आपने पे करा, और कॉस्ट इसलिए क्योंकि ये लागत हो गई। तो 100 रुपये क्या है? आपके डब्बा बनाने की लागत। लेकिन मज़ेदार बात यह है हमारे देश के अंदर कि जैसे ही आप एक डब्बा बनाते हो, तभी सरकार का एक नुमाइंदा आपकी फैक्ट्री में आके कहता है, लाओ भाई लाओ, 20 रुपये मेरे को दे दो टैक्स के। इस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं क्योंकि ये पैसा आप कस्टमर से वसूल कर लेते हो, है ना, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो लेट्स एज्यूम कि 20 रुपये आपने सरकार को दिए। तो अब आप ये बताइए कि बाजार में, ये बाजार है मार्केट, बाजार में ये प्रोडक्ट कितने का बिकेगा? व्हाट विल बी इट्स मार्केट प्राइस? 120। तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना ये। तो क्या फॉर्मूला बन गया कि भाई फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब इसको, फॉर्मूले को थोड़ा ऐसे ऐसे करके फैक्टर कॉस्ट को RHS में ले जाओ, राइट हैंड साइड में, तो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या फॉर्मूला बन गया? फैक्टर कॉस्ट को RHS में ले जाओगे तो इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या बन गया? मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। तो ये बेसिकली आपको ऊपर लिखवाया है कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, अब नेट क्यों है वो थोड़ी देर में बताता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो किसका डिफरेंस होते हैं? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। अच्छा, लेकिन इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि कभी कभी क्या होता है, सरकार 20 रुपये जब टैक्स लेती है ना, तो कई बार सरकार का नुमाइंदा आपको कुछ पैसे दे भी देता है, कहता है आपकी शक्ल बहुत अच्छी लग रही है तक्ष भाई, हम आपको 6 रुपये देना चाहते हैं, क्यूट लग रहे हो आप, तो वो आपकी क्यूटनेस पर फिदा होकर आपको 6 रुपये की सब्सिडी दे देते हैं सरकार। तो अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, अब आपने सरकार को नेट कितना पे करा? एक तरह से 20 रुपये आपने सरकार को दिए और 6 रुपये सरकार ने अपनी की क्यूटनेस पे वापस दे दिए, तो नेट नेट आपने कितने रुपए सरकार को पे करे? 14। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इस 6 रुपये को मतलब सब्सिडी कह सकते हैं। तो ये सब्सिडी जो है ये आपके लिए एक रियायत है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो सरकार आपको दे रही है, समझ गए खेल? तो इससे एक फॉर्मूला और बना लिया बच्चों ने, वो लिख लेते हैं स्टार डाल के, कि भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब बना लिया बच्चों ने, या मतलब बना के लिए है ही क्या मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये और लिख लो आप, लेकिन लॉजिक समझ गए? तो ये आप लिख लो स्टार डाल के, बाकी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खैर ऐसी समझाने के लिए बनाया था।
नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसीलिए इसका नाम पड़ गया, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। है ना, इसके एक दो वो लिख लेते हैं, मतलब एप्लीकेशन के लिए ऐसे, हालांकि बाद में न्यूमेरिकल में काम आएंगे, लेकिन लिख लो एक दो एरो डाल के, थोड़ा अच्छा लगेगा। जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू, तो बताओ अगर याद है तो किसी को। हाँ, क्योंकि एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, है ना, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो अगर आप मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, फैक्टर कॉस्ट, है ना। मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे तो क्या बचता है, फैक्टर कॉस्ट। तो मतलब हम लिख सकते हैं जीडीपी एफसी। इसी तरह एक और लिख लो, जीडीपी एफसी प्लस एनआईटी, तो ये क्या हो जाएगा। हाँ, और लॉजिक क्या है कि भाई फैक्टर कॉस्ट और उसमें अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का खेल है। तो ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस होता है, मतलब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होता है। तो क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक कोई भी डाउट तो नहीं। चलो, तो ये भी हो गया जी आपका कॉन्सेप्ट नंबर 6। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 7 तो छोटा सा ही है, इसका फॉर्मूला लिखना है हमें। कॉन्सेप्ट नंबर 7 पहले नाम लिख लो, नाम है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, है ना। तो अभी हमने इस पर चर्चा तो कर ही ली थी समझने के लिए, लेकिन अभी हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है डोमेस्टिक इनकम। बाकी इसको एग्रीगेट के फॉर्म में बोला जाता है, वो भी लिख लो ब्रैकेट में, एन डी पी एफ सी। और अब आप क्योंकि पिछले 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हो, तो अब आपको मैं फुल फॉर्म्स डिराइव करना सिखा सकता हूँ, या आपको खुद ही आती होंगी। एन का मतलब हो गया नेट, राइट। डीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एफसी भी आप समझ गए अब तो, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। हाँ, है ना। तो बेसिकली ये एक तरह से डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट है, एनडीपीएफसी, है ना। तो चाहे डोमेस्टिक इनकम बोले चाहे एनडीपीएफसी बोले, हमारे लिए मतलब एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला लिखना है आपको मैथमेटिकल, तो इट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिख लो, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज compensation of employees plus, बताओ क्या, operating surplus plus mixed income of self-employed, compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of self-employed। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, बाकी इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं एक एक। तो पहले compensation of employee बता देता हूँ क्या होता है। compensation of employee क्या होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को
क्या दे रहा है। बिल्कुल सही, सिंपल भाषा में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को जो कॉम्पनसेशन देते हैं ना, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो। इसमें तीन बातें होती हैं मेनली, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो ये हमको सवाल के अंदर डायरेक्टली वैसे गिवन होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो कैश का मतलब आपको पता ही है भाई, एम्प्लॉयर नकद दे रहा है या चेक दे रहा है। काइंड का मतलब है कि एम्प्लॉयर आपको कह रहा है ये लो घर ले लो, गाड़ी ले लो, तो वो हो गया वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है ये होता है, जैसे अगर आपने पढ़ा हो ट्वेल्थ में, डेफिनेट सी बात है पढ़ा ही होगा, कि भाई बहुत से एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉई के नाम का पैसा उसके प्रोविडेंट फंड में जमा करते रहते हैं, तो वो भी एक तरह से सैलरी देने का ही तरीका हुआ। भाई मान लो मैंने बोला कि मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपके नाम के पैसे एक गुल्लक में डाल रहा हूँ, बाद में ले लेना, तो है तो वो भी पैसे ही। तो ये मतलब होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरी टर्मिनोलॉजी है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसका मतलब वैसे लिख लो होता है सिंपल भाषा में कि भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको बोलते हैं हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका बड़ा नाम ये है फुल फॉर्म। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये है क्या, मतलब प्रॉपर्टी से क्या पैसा आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप से क्या पैसा आ रहा है? तो प्रॉपर्टी से आपको तीन चीजें मिलती हैं, बताओ क्या। एक तो रेंट, मान लो आपने किसी को अपनी जमीन दे दी किराए पर, या रॉयल्टी, आपने किसी को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे दी, जैसे मैं अपनी बुद्धि देता हूँ पब्लिशर को, मैं किताब लिखता हूँ तो पब्लिशर मेरे को रॉयल्टी देता है। तो जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देते हैं किसी को तो क्या मिलता है, मतलब मिलता तो रेंट ही है लेकिन बोलते रॉयल्टी है। और या फिर आप किसी को पूंजी दे देते हो तो क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो एक तरह से ये तीनों चीज़ें मिलकर होती हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक तरह से। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या इनकम मिलती है, प्रॉफिट्स। तो वो आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेना। तो इन चारों को मतलब हम जोड़कर कह देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये चारों चीज़ें जो होती हैं ये एक तरह से ऑपरेटिंग सरप्लस होती हैं, कि भाई ठीक है आपके पास सरप्लस था, प्रॉपर्टी थी, एंटरप्रेन्योरशिप था, आपने किसी को दिया और उसके बदले में आपको रेंट मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिट इसमें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसकी हमें चर्चा आगे भी करनी है, लेकिन अभी भी दोबारा कर लेता हूँ, पता होना चाहिए। तो मान लो आपको, ऐसे ही लिख रहा हूँ, 100 रुपये का प्रॉफिट मिला, तो आपको पता है कि ये 100 रुपये का प्रॉफिट मिलते ही इस 100 रुपये का डिवीज़न कैसे होता है, वो तो बाद में आएगा। सबसे पहले तो सरकार आएगी भागे भागे, कहेगी लाओ टैक्स दो, तो 20 रुपये तो आपके चले जाएंगे कॉरपोरेट टैक्स के, कॉरपोरेट टैक्स कह लो या प्रॉफिट टैक्स कह लो, कुछ भी, क्योंकि जब भी कोई प्रॉफिट कमाती है कंपनी तो सरकार उससे टैक्स लेती है। ठीक है चौहान साहब, तो 20 रुपये तो सरकार ले गई, कितने बचे, 80। अब आप सोचते हो कि चलो यार 80 रुपये बचे, ऐसा करता हूँ 30 रुपये अपने शेयर होल्डर्स को दे देता हूँ। तो आप अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे देते हो, डिविडेंड, तो कितने बच गए, 50। तो उस 50 को कहते हैं क्या, हाँ मतलब प्रॉफिट तो है ही, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, मतलब उस 50 रुपये को क्या कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी रिटेन्ड अर्निंग। तो ये आप बना लो अपने समझने के लिए, हालांकि आगे भी आएगा तो समझ जाओगे। तो उस 50 रुपये को हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो जैसे ही प्रॉफिट होता है वो 3 टुकड़ों में मतलब बट जाता है, ये भी बात पता होनी चाहिए।
तो ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरी और आखिरी टर्म थी फॉर्मूले में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वो भी बना लो। वो तो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, हालांकि वो हमें हमेशा गिवन ही होता है, तो उसका एप्लीकेशन नहीं है कोई। तो इसका नाम है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो बेसिकली, अगर आप नाम को धीरे धीरे पढ़ो तो इसमें हम सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की बात करते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं, मतलब जो अपना काम खुद कर रहे हैं, उनकी जो इनकम होती है वो कई बार मिक्स्ड होती है। मिक्स्ड इसलिए होती है क्योंकि वो अपनी ज़मीन पर काम कर रहे हैं, तो वो रेंट भी अपने आप को ही दे रहे हैं, वो पैसा भी अपने ही लगाते हैं, तो वो इंटरेस्ट भी अपने आप को ही दे रहे हैं। कई बार तो वो मजदूरी भी खुद ही करते हैं, तो वो वेजेस भी अपने आप को ही देते हैं, और दिमाग भी खुद ही कहीं लगाते हैं, एंटरप्रेन्योर भी वो खुद ही होते हैं, तो वो प्रॉफिट भी अपने आप को ही देते हैं। तो उनकी इनकम में आपको मतलब ये नहीं पता चल सकता कि कितनी चीज़ क्या है, तो ये अल्टीमेटली अंदर मिक्स हो जाती है। तो इन चार चीज़ों को डालकर आपने मिक्सर ग्राइंडर में चला दिया और 5 मिनट बाद जब निकालोगे तो क्या निकलेगा? हाँ, एक पूरा ग्लास भर के मैंगो शेक तैयार हो गया। तो अब इसमें कर लो अलग अलग, क्या कर सकते हो। तो इसको नाम दे दिया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, समझ गए? तो आपने चार चीज़ें डाल के मिक्सी चला के 5 मिनट छोड़ दिया, अब ये तैयार हो गई। इसको कह देते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसमें आप अलग नहीं कर सकते कि क्या है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए होता है बेसिकली। तो खैर, ये हमें डायरेक्टली गिवन होता है, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाला भी? ओके, चलो। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा था ये? 7। उसके बाद 8 और 9 तो कर ही लेते हैं, वो तो दो दो लाइन के हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 8 का नाम है नेशनल इनकम। ये आपने थोड़ी देर पहले मतलब सुना था, नेशनल इनकम। लेकिन इसका एग्रीगेट याद है किसी को कि इसको किस एग्रीगेट से संबोधित करते हैं? हाँ, तो वो लिख लो, NNPFC। और अब आप क्योंकि पढ़ चुके, तो N का मतलब है नेट, NP का मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट, और FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, है ना? तो ये बेसिकली नेशनल इनकम का एग्रीगेट है। तो नेशनल इनकम वर्ड जब बोलते हैं तो हम NNPFC भी बोल सकते हैं। तो मज़ेदार बात यह कि हमने पहली कॉन्सेप्ट में कवर कर लिया था, लेकिन दोबारा से लिख लेते हैं। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला लिख लो, इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस क्या, NFIA, है ना? दैट इज करके भी लिख सकते हो, दैट इज NDPFC प्लस NFIA, NDPFC प्लस NFIA। तो ये हमने NFIA के कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी लिख लिया था कि भाई नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के डिफरेंस को NFIA कहते हैं। तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमने लिख लिया कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, यानी NDPFC प्लस NFIA। और कॉन्सेप्ट नंबर 9, लास्ट कॉन्सेप्ट बस आज के लिए, तो पूरा एक फ्लो ख़त्म हो जाएगा। बट पहले ये वाला समझ आ गया, 8 तो सिंपल है नेशनल इनकम, 9th भी बहुत सिंपल है, शायद आपने सुना हो। इसका नाम है पर कैपिटा इनकम। ये भी एक छोटा कॉन्सेप्ट है, पर कैपिटा इनकम। तो ये क्या होता है बताओ, याद है किसी को पर कैपिटा इनकम?
हाँ, एक आदमी कितना कमाता है, तो मान लो देश की टोटल इनकम ले ली और उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता लग जाएगा कि ऑन एन एवरेज एक आदमी के ऊपर कितनी इनकम आ रही है। सही, तो बस यही लिखना है, लेकिन इसको तरीके से लिखना। इसका फॉर्मूला है जीडीपी, लेकिन ब्रैकेट में लिखना एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, होल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इसमें मतलब जो हम इनकम ले रहे हैं, जो जीडीपी ले रहे हैं, वो एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन ले रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन को हटा कर ले रहे हैं, ये मतलब है। यानी एक तरह से रियल जीडीपी ले रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, रियल जीडीपी ले रहे हैं, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, तो इसका मतलब हम रियल जीडीपी ले रहे हैं कि बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन नहीं ले रहे इसमें, और टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं। बाकी इसका स्टार पॉइंट लिख लो, ये एग्ज़ाम में पूछेगा आपसे 1 नंबर एमसीक्यू में, तो कि भाई ये पर कैपिटा इनकम करती क्या है, इसका काम क्या है। तो इसमें आप लिखना इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ, बताओ तीन शब्द हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डैश ऑफ कंट्री, पर कैपिटा इनकम क्या दिखाता है देश के बारे में, क्या दर्शाता है। तीन शब्द हैं, एस से शुरू होता है पहला और बीच में ऑफ आएगा और लास्ट शब्द एल से शुरू होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाता है। तो तारे लगा लेना, आपका 1 नंबर एमसीक्यू कंफर्म्ड, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इस इंडिकेट, ये रियल मतलब पर कैपिटा इनकम का काम है कि ये देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शो कर। बस, तो ये था जो कार्यक्रम हमें आज करना था।